हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CLT20 के बारे में, जो कि कुछ साल पहले से जो है अब और नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि CLT20 आखिर बंद क्यों हुआ। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह का क्रिकेट न्यूज़, टीम 11, ड्रीम 11 की टीम, आई टीम 11 की टीम और न्यूज़ एंड अपडेट मिलती रहती है। तो फ्रेंड, इस टूर्नामेंट बंद होने के पीछे जो है मैक्सिमम जो है तीन बड़े रीज़न थे जो कि इस टूर्नामेंट के बंद होने के कारण बने हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले रीज़न के बारे में। तो पहला रीज़न था लो व्यूअरशिप। सो फ्रेंड, इस जो टूर्नामेंट है देखने की जो वर्ल्ड वाइड जो कि संख्या थी बहुत ही कम थी, आप कंपेयर कर सकते हो। सब लोग सोच रहे थे कि इनकी जो व्यूअरशिप होगी IPL की आसपास होगी या फिर CLT20 ख़त्म हुआ और इनका जब व्यूअरशिप या फिर TRP देखा गया तो IPL से लगभग जो है 4 गुना कम थी। तो इसी बात से जो है जो एडवर्टाइजमेंट थी उनका रेट भी इन्हें बहुत ही कम मिला और ओवरऑल जो इनका 2011 से लेकर 2014 तक का जो सफ़र रहा था वो टोटली जो है नुकसान में था। इसलिए जो है सबसे पहले मेन कारण बना था जिसकी वजह से उन लोगों को जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है स्पॉन्सरशिप इनके पास बहुत ही कम आ रहे थे। तो पहला रीज़न अगर हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि लो व्यूअरशिप की वजह से जो है ये टूर्नामेंट जो है नुकसान पे जा रही थी, तो सबसे बड़ी कारण जो है वही बना था। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं दूसरे और इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से जिसके वजह से CLT20 2014 के बाद नहीं खेला गया। ये जो CLT20 था ये जो है तीन देश यानी साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और जो है BCCI यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तीनों मिलके ये जो है टूर्नामेंट चला रहे थे। लेकिन पहले जो है 3 या 4 साल जो है इन तीनों ने चलाया, लेकिन जब उन्होंने देखा इस पे जो टोटली जो है लॉस हो रहा है क्योंकि व्यूअरशिप उतना ज़्यादा नहीं था और स्पॉन्सरशिप भी नहीं था, तो 2014 से पहले यानी 2013 तक ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने जो है इन CLT T20 करने से मना कर दिया था। उसके बाद जो है इंडियन जो BCCI है उन्होंने 2014 जो कि आखिरी बार जो है CLT20 खेला गया था उन्होंने अकेले में किया था, जो कि बहुत ही बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद से जो है अभी तक जो है इसे नहीं खिलाया गया है और देखना बाकी आगे खेलना होता है या नहीं। सो फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड रीज़न के बारे में। थर्ड रीज़न जो है मेन रीज़न है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो टूर्नामेंट है सिर्फ तीन देश ही चला रहे थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया, और जो बाकी देश जैसे कि स्टार प्लेयर है बाकी देशों के वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तो ये लोग जो उनके जो क्रिकेट बोर्ड है इन टूर्नामेंट पर उन लोगों को जो है खेलने नहीं दे रही थी। तो फ्रेंड ऑलरेडी जो है जो नुकसान पर चल रहा था उसके वजह से तो इनकी जो उतना व्यूअरशिप नहीं मिल रहा था, ऊपर से इन सारे प्लेयर स्टार प्लेयर के नहीं खेलने के वजह से जो है ये टूर्नामेंट जो है लॉस में जा रहा था। तो फ्रेंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि CLT20 क्यों बंद हो गई थी और आगे, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आगे जो है ये टूर्नामेंट जो है स्टार्ट हो सकती है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।